कोई है? स्टूडियो में एंट्री है। आ जाओ। झूला ले आई हूँ ना उसका। झूला ठंडा नहीं है बहुत? ओफो। आज तो बहुत ही वाटर प्रूफ मेकअप वो खरीदा जा रहा। अरे भैया एसी लग गई। तुम क्या लिए हो? उससे बिल्ली निकालना नहीं, इससे कैट मत निकालना। ये बहुत है, बिल्लों की लड़ाई हो गई। तो बैकग्राउंड देख के तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके स्टूडियो में हूँ। और करने वाली हूँ BTS, मतलब कि बिहाइंड द सीन। और मेरे घर में ही है बेस्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट, अल्लाह का करम है। हाँ कैट, कैट दिखा दो सबको, कैट कैट दिखा दो। ऐसे बोलता है, ऐसे बोलती है। तो मेरे घर में ही है मतलब कि बेस्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो है भाभी से मैंने बोला भी था कि मेरा मेकअप करिए, और आज बहुत अच्छा सा मेकअप करने वाली भाभी। तो तुरंत पूछती तुम्हें कैसा कराना है, तो मैंने उनको एक फ़ोटोग्राफ दिखाई। मैंने बोला मुझे ऐसा कराना है, तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो सब चीज़ मतलब देख के। तो मेरी आज नाक खड़ी होगी। पेंसिल है कि नहीं? पेंसिल है कि नहीं? पता चला बोल दो, ब्राइडल में ही पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। आप बताएं, सिल्वर बटन के वो कर लें, क्या कहते हैं, दर्शन दर्शन कर लें। पता नहीं हमें नसीब हो ना हो। तो क्या पहनेंगे आज? तो ये वाले जो ड्रेस में कैसा इस मेकअप में अच्छा ड्रेस चाहिए हमको, भारी भारी ड्रेस लाए नहीं है कोई। तू इतनी कहे, इतनी कमजोर हो कि तुम्हारा नहीं आ पाएगा। मैं तो यहाँ पर जो बेस्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट है वो पहले जो है अपना टचअप कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई सिल्वर बटन रखा है, आप लोग समझ सकते हैं। टचअप का जरूरी होना जरूरी है भाई। तभी तभी तो लोग पसंद करते हैं आपको, जो है जेन्युइन है ना, सामने बनावटी बन के नहीं आती। कुछ तो इतनी होती है 24 घंटे दिखाएंगे कि सो के उठे तो भी पूरा फुल मेकअप रहता है, बिल्कुल जेन्युइन। तभी मेकअप सही बात है, इसीलिए तो लोग पसंद करते हैं, बोलने से किसी का क्या होता है। यहाँ पर कपड़ा ढूंढने आई थी, इत्तेफाक से मेरा एक सूटकेस यहीं पर ही रहता है, थोड़ा पार्टी वेयर कपड़े मैं यहाँ पर भी रखती हूँ अपने घर में। तो इत्तेफाक से मैंने सोचा इसमें देखती हूँ शायद कोई मुझे पार्टी वेयर ड्रेस मिल जाए। तो मुझे एक सबसे पहले जब शादी से ईद पड़ी थी तब मैंने मुझे काशिफ ने ये वाला ड्रेस दिलाया था, तो मुझे याद आया कि ये वाला ड्रेस रखा है, इस पर क्यों ना एक पार्टी मतलब कि अच्छा लुक कुछ क्रिएट करती हूँ। तो वही मैं बस लेके जा रही थी भाभी को दिखाने के लिए, और भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने बोला कि ठीक है इस पे मेकअप लुक ट्राई करते हैं। ये वाला ड्रेस रिदा भाभी ने बोला कि ये अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने पहन लिया है, और अब मैं जा रही हूँ मेकअप कराने। तो इत्तेफाकन ये रखा हुआ था यहाँ घर पे, और अभी ये डिसाइड हुआ कि भाभी ने कहा कि चलो मेकअप करते हैं, तो मेरे पास मैंने बोला कि मैं कोई ड्रेस लेके नहीं आई हूँ। इत्तेफाकन मैंने अपना सूटकेस देखा तो ये वाला ड्रेस मुझे मिल गया, तो मैं बस अब जा रही हूँ ये वाला ड्रेस पे मेकअप करती हूँ, और इंशाल्लाह आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं भाभी के पास। कैसे जाएगा इस पे? इस पे नहीं जाएगा ये नहीं। जो तुमने दिखाया है फोटो वो नहीं जाएगा, मल्टी कलर नहीं जाएगा ना, ये तुम्हारा गोल्डन है और कॉपर आई मेकअप होएगा और रेड लिपस्टिक होगी। रेड लिपस्टिक, लेकिन वैसा हेयर स्टाइल तो हो सकता है ना, हेयर स्टाइल वैसा हो के और टीका बीच में लगा सकते हैं। पिटारा सब में अलग अलग, आई का अलग है, वो अलग है, सेक्शन आई का है, ओके, ये फेस का है, ओह माय गॉड, और ये लिप्स का है, वाओ, ये लिप्स का सेक्शन है, ये फेस का है, ये हो गया उसका, आईज का, और नीचे वाला, वाओ, इनाय भी करी, वाओ, बेटा बड़े होके बहुत फायदा है, हाँ बहुत फायदा है, एक बार दिखाओ तुमने लिपस्टिक देखे, बहुत बढ़िया।
कर रही हो तुमको, क्यों नचा रही हो? हाँ ये चश्मा लगा के कहाँ जा रही हो? काला चश्मा इन्नू कैट का है, कैट वाह कैट का जितना सेल है आज मॉर्निंग का कैट की सेल निकल जाएंगे सर। कैट वाह गाना क्यों गा रही हो भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। एक्सपीरियंस जा रहा है मेरी लड़की ने। देखिए आप भूले नहीं कि जो आपने मॉडल हायर करी उनके दो बच्चे हैं, आप ये ना भूले। इनाय मुंह दिखाओ, ये क्या करा तुमने, ये क्या कर लिया, ये क्या बनी हुई हो? गिर ना जाना, गिर ना जाना, ये क्या करे हुए हो? मौनी को परेशान कर रही हो खूब कायदे से ना। पापा। कौन पापा है? वो तुम्हारे पापा है जो ऊपर है। अच्छा चंद मौनी ने छुपा दिया उसको, वो टूट जाएगा। उसको कह रही पापा, हमने कहा मौनी ने छुपा दिया। कौन सा लेंस है? नहीं नहीं शेड कौन सा है, दिख तो रहा नहीं है अभी, कैमरा दिखेगा तुम्हें लग रहा है ना। हाँ मेकअप छुड़ा दिया शाम का मेरा थोड़ा बहुत है। नहीं लग रहा, वो थोड़ा सा वो लग रहा है। तो मैं अपने सिंहासन पे बैठने जा रही हूँ और मेकअप स्टार्ट होने जा रहा है। आई मेकअप चल रहा है तो इत्तेफाकन सब बच्चे आज परेशान कर रहे हैं, और अभी आई थिंक गाजी भी उठ गए हैं नीचे, तो वो सो गया था तभी भाभी थोड़ा सा फ्री हुई थी, बट अभी अभी फ़ोन आया कि शायद वो उठ गए तो उनको फिर से सुलाने गई हैं। और अभी आई मेकअप इनकम्प्लीट है, अभी बहुत चीज़ें करनी है आँखों में। अभी से वो इतना प्यारा लग रहा है और अच्छा ही होगा, तो फिर दिखाती हूँ मैं पूरा होने के बाद आप लोग को। अच्छा लग रहा है, दो मिनट रुको बेटा, गोल्डन लगेगा तो और अच्छा लगेगा ना। आई मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है भाभी, बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि मेरी गैपिंग कम है, इतना अच्छा मतलब हो नहीं पाता है, बहुत अच्छा लग रहा है और काफी गैपिंग लग रही है इसमें ना, बहुत अच्छा लग रहा है। किया किसने? हाँ सही बात है, जो हमने दिखाई थी फोटो उससे कई गुना ज्यादा अच्छा, वो तो बकवास लग रहा था। ये बताओ आईलाइनर लगाएं कि ना लगाएं? वो जब लगाइए लैशेस तो समझ में आएगा, फिर उसके ऊपर हल्का सा लगा दीजिएगा। आईलाइनर पता हमें क्यों, आईलाइनर से गैपिंग कम लगने लगती है। हाँ तो फिर रहने दिया, सही कह रही है, फिर वो बेस कम लगने लगेगा। नहीं नहीं आई लैशेस खाली लगाइए बस। वाओ कहाँ से ली, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ऐसी वैसे मिस पे मिलती थी शीन पे। हाँ शीन पे हमको लग रहा है शीन वाले ही। हाँ शीन वाला ये फायदा होता है घर में इतना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट होने का, आंखों का मतलब मेकअप की मैं बिल्कुल दीवानी हो रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी गैपिंग हमने देखी नहीं कभी अपने आंखों में ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है स्पेस कम है आंखों में, और अभी कुछ मेकअप नहीं हुआ, खाली आई मेकअप हुआ और इतना अच्छा लग रहा है फेस, ऐसा लग रहा है कि मेकअप हो गया पूरा ना खाली आंखों की वजह से। मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया ना? हाँ ये मेकअप हो गया कंप्लीट, होठ तो लग रहा होठ ही नहीं है, होठ में तब वो लगा हुआ लग रहा होठ ही नहीं है। अब लिपस्टिक लगने जा रही है, बाकी जो आंखों का मेकअप वो कुछ ऐसा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस मॉडल के बारे में? अब लगा है बिल्कुल लिपस्टिक से तो जान आ जाती है, लिपस्टिक के बिना कोई मेकअप नहीं। चलो हेयर स्टाइल बना दे उल्टा, बहुत अच्छा मेकअप लग रहा है।
तुमने तो अति कर दी आज, तुमने बिल्कुल अति कर दी आज। क्या कर रही है, कौन सी हेयर स्टाइल है ये? स्टाइल हम बहुत अच्छी बना रहे हैं। बेटा बेटा एक मिनट, हटी गिर जाएंगी आप। हटो बेटा एक मिनट, इनाया हम तुम्हें अभी बहुत मारेंगी। आईसीयू तो हेयर स्टाइल बनने तो आईसीयू, नहीं तो फैबुलस ज़ारा तुम्हारा आईसीयू कर देंगे। जो बना रही है निकल जाएगा, पता चला ये पूरे बाले ना निकल जाए यहाँ से। करने दो मोनी को, ऐसा लग रहा है यहाँ पर सर से यहाँ से गंजे हो गए पीछे से। यार तुम तो ये कुछ खतरनाक वाला बिहाइंड द सीन है ना, इनके ना मार देना भैया। ये कुछ खतरनाक वाला बिहाइंड द सीन है, जो ट्विस्ट नहीं मिल सकता है मेकअप के पीछे का, इसलिए दिखाना बहुत जरूरी था किस तरीके से फैबुलस ज़ारा ने जो है मेकअप करा है। आज का मेकअप बहुत याद रहेगा इनको। रे इनाया देखिए आप लोग ये चेहरा भी देखिए फैबुलस ज़ारा का। अभी तुम्हें हम दौड़ा दौड़ा से मारेंगे। अरे आए मेरे बाल नोच लिए। एक्शन ऐसी मॉडल हम कभी ना बुलाएंगे। मॉडल है, दो बच्चे की अम्मा का मेकअप कर रही हैं। जो भी हो मम्मा बस मेकअप है। बोलो कर्ली करना है तुम्हें बाल अपना? हाँ बोलो, बाल कर्ली करना है। हाँ क्या टेका कर? टेडी बियर जाओ फोन लेके आओ, हम मम्मा लगा दे। जाओ फोन लेके आओ, फोन लेके आओ। वाह रे नाया हद की, कहाँ है इसका फोन? वही तो रखा था। चिंगा आवा उसमें थोड़ा इधर करो यार। बच्चे भी समझ रहे हैं और मेकअप भी हो रहा है। ऐसे कोई ना रोता है ना गाता है, आज सब होगा। रोया भी जाएगा, गाया भी जाएगा, गाना गुनगुनाया भी जाएगा। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे, मतलब ये जो वेव आई है बहुत अच्छा लग रहा है। बैठो तो नहीं स्टाइलिश लग रहा है। पता है इस पे टीका लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लुक आएगा, और यह कान में पहनना जरूर होगा है ना। टीका बहुत स्मार्ट लगेगा। अच्छा लगेगा? नहीं नहीं नहीं, बहुत गोल्डन है। फोन वो देखो तुम्हारा है, ये बहुत गोल्डन है। नहीं मरून का आएगा ये देखो। तू कर ली के स्ट्रेट नहीं दिखेगा? नहीं तू क्या हो? ठीक है आगे बस थोड़ा सा वेव होगा ना।
मेकअप हो चुका था और फाइनल यहाँ पर फिक्सर भाभी शूट कर रही थी, भूल गई थी। और मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए भी करा क्योंकि इनाया बहुत तेज चीख रही थी पीछे, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर करा। और यहाँ पर लास्ट स्टेप फॉलो कर रही थी भाभी की, फिक्सर स्प्रे कर रही थी और पूरा मेकअप लुक कम्प्लीट हो चुका था। लगाया भाभी हमने, क्या करा ये? ये कांटे जैसे बाल क्यों हो गए? ये कांटे जैसे बाल कैसे हो गए? ये सही हुई है कि सही क्यों नहीं हो रहे यार? इसको धुलना पड़ेगा। ये इतना हेयर स्प्रे कौन लगाता है? ऐसे ही लगाया जाता है ताकि पहली बार हमने लगाया ये। ये क्या ये पीछे? अरे बाप रे बाप, ये बैक कॉम किया था इस स्मूथनिंग के बाद, ये कंडीशन हो गई बालों की। अरे बाप रे बाप, सब कुछ उखड़ चुका है। अब कैसा लग रहा है? अभी भी अच्छा लग रहा है।